सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल रावलपिंडी से समरीन यूनस का आप सबको सलाम ये वही शागिर्द है जिसने ये बातें लिखी हैं हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है हमारे लिए आज की अनजील मुक़दस मुकदस, मुकदस यूना के मुताबिक उसका इक्कीस पाप बीसता पच्चीस आयात मुकदसा उस वक्त पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यसु प्यार करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुक कर पूछा था कि ए खुदावन तेरा पकड़वाने वाला कौन है पतरस ने उसे देखकर कर यसु से कहा ए खुदावन इसका क्या होगा यसु ने उससे कहा अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं, ये ठहरा रहे तो तुझको क्या तू तु मेरे पीछे हो ले बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा लेकिन यसु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा मगर ये कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ यह ठहरा रहे तो तुझको क्या ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है और हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गमान करता हूँ किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती अंजिले मुक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुक्र हो मैं हूँ फादर रफाइल ओपी पास्ट्रल इंस्टीट्यूट मुल्तान से आज चार जून हफ्ता हफ़्त कई अयाम का आखिरी दिन आज शाम ईद पेंती कोश्तरफयाम में लेकिन रुहल कुछ के रसूलों पर नाजल होने की ईद शुरू हो जाएगी इस ईद के साथ पाशका के अयाम तकमील को पहुँचेंगे और आम दिनों का आगाज़ होगा पाशका के अयाम में हम पहली तलावत रसूलों के अमाल की किताब से पढ़ा करते थे जो आज तकमील को पहुँचती है इसी तरह पाकजील मुकदस शुहन्ना किंजील के मुताबिक हुआ करती थी वो भी आज तकमील को पहुँचती है दोनों किताबों में से आखिरी आखिरी इकतबास पढ़े गए हैं कृषि जब आज के दिन खुदा के कलाम में से बातें हमारे सामने रखती है तो पहली तलावत रसूलों के अमाल के किताब में से मुक़दस पोलूस रसूल का जिक्र करती है कि वो रोम में कैद है लेकिन वहाँ पर भी ग्यारमों के दरमियान और अपने जानने वाले लोगों के दरमियान खुदा उनके मुनसी के मरने और जी उठने की मुनादी करता है और उसका कहना ये है कि इंजील की खुशखबरी यहूदियों ने तो रद्द की लेकिन गैर कौमों ने कबूल की है और इस तरह पोलो स यहूदियों में भी और गैर कौमों में भी इंजील की मुनादी करना और यस् मसीह के मरने और जोटने की गवाही देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता इसके मुकाबले में पाक इंजील का अतबाश गुज्तर रोश यानी जुमा की इंजील का तसलसल है लेकिन इसमें एक अहम पहलू क्या है यहाँ मुकदस पत्रस खुदास मसीह से प्यार करने का दावा करता था और ख़ुदा यसम मसीह ने उससे भेड़ों की गला उनको चराने का और उनकी निगाहबानी करने का फ़र्ज सौंपा था उसके साथ ही मुकदस पत्रस को इस बात से भी आगाह किया था कि उसे इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते एक दिन शहादत के जरिए से और शहादत की मौत के जरिए से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है ऐसे में मुकदस पत्रस उस शागिर्द को जिसे यीशु प्यार करता था जो गालबन मुकदस शुहन्ना ही है पीछे आते देख कर खुदा से सवाल करता है कि अदावन इसका क्या होगा क्या वो भी शहादत पाएगा क्या वो भी दुखों में से गुजर कर ख़ुदा के जलाल का बास होगा दुख सहना सिर्फ मेरे ही हिस्से में लिखा है इस पर यसमसी का जवाब बहुत खूबसूरत और काबिल गौर है अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझे क्या तू मेरे पीछे हो ले इसका मतलब यह है कि हम में से भी हर एक को मुकदस पत्रस की तरह से दूसरों की निगेबानी और गल्लाबानी तो करनी है लेकिन अपने बुलावे के मुताबिक खुदा यस्सु मसीह की पैरवी वफादारी से और जान देने तक वफादारी से करनी है इस पर ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरों की ईमानी या रूहानी शागिरदी और वफादारी पर मुकाबलाबाजी और बढ़तरी साबित करने की कोशिश करें इस तरह मुक़दस पतस खुदा यस्मसी की स्लीप पर कि तरह स्लीप पर लटकाया गया बेशक उल्टी स्लीप पर ही सही जबकि योहन्ना जिसे खुदा यसुम सी प्यार करता था वो भी खुदा यसम सि को प्यार करता था वो इस प्यार में अपने उस्ताद और अपने खुदावन का वफादार रहा उसने इंजील और खतूत लिखकर खुदा यसुम सी की मुनादी की उसने अपनी इकलिसिया को ईमान की राह में मुश्किल के दरमियान सबत कदम रहने और गवाही देने का नमूना दिया और उसकी तलकिन भी की कि जान देने तक वफादार रहे तो, तो ज़िंदगी का ताज पाएगा हमें भी देखना है कि हम भी अपनी रोज़मर ज़िंदगी में खुदा मसीह और उसकी तलीम और नमूने के वफादार रहें हम भी दूसरों पर सवाल करने और उनके बारे में अपने फतवे और राय देने के बजाय खुद खुदा मसीह की पैरवी वफादारी से चलने के जस्तजू करें हम दूसरों के सामने ज़ुबानी कलामी और अमली तौर पर यस्म मसीह की मौत और जी उठने के गवाह रहें पलूस रसूल की तरह हर वक्त और हर जगह खुदा मसीह की बातें करने उसकी मौत और जूटने की मुनादी करने इस अपने नेक नमूने से दूसरों के लिए खुशखबरी का बायस बनें हम पाश का याम का फल यानी अपने गुनाहों की माफ़ी और ख़ुदास्सुमसी की बादशाही की उम्मीद में रुहलकुद पाने की तैयारी करें ताकि उन सब रसूलों की मानद अपने अपने बुलावे को पहचाने और वफादारी और जाफशानी से उसे निभाएं